साहब। वालेकुम अस्सलाम। भाई जान, आपको मालूम है कि लोग कहते हैं कि जी गोरे हमसे बड़े अच्छे होते हैं, गोरे जी बड़ी मेहनत करते हैं और गोरे लोग जो होते हैं वो बड़े ऑर्गेनाइज होते हैं, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि जितनी चादर होती है उतने ही पैर फैलाने चाहिए। गोरा हमेशा उतना ही खर्चता है जितना वो कमाता है, लेकिन हम खर्चते ज्यादा हैं और कमाते कम हैं। कैसी बीमारी डायग्नोज की थी तुसी? असी लोग जिन्ना मर्जी कमा लिए फिर भी गमी खुशी तो रिश्तेदार को मंगने जरूर होंगे, बल्कि बीवी नू बंदा कह रहा होंदा तेरा प्यो 10,000 दे देंदा ते देख थोड़नी नहीं सी। इनफैक्ट जब शादियों का टाइम होता है तुम अपने अजीजों अपने रिश्तेदारों से उधार मांगते हैं और फंक्शन भी अपने औकात से बढ़कर करते हैं और पैसे देने वाला भी सोच रहा होंदा इहदी जगह ते मैं दरबार ते पाए होंदे मैनू फायदा हो जाना। माना कि मुल्क में महंगाई ज्यादा है, लेकिन अगर मनी मैनेजमेंट हम सीख लें तो शायद हम अपने आप को इतना टफ टाइम ना दे पाए। सही कह रहे हो तुसी, असल रौला भी यही जे भट्ट साहब, असी रिश्तेदारों नूं टफ टाइम देंदे आ अपने हालात खराब कर लेने। हालांकि कोविड ने हमें यह सिखाया है कि सबसे बड़ा हमारा एसेट हमारी सेविंग होती है और सेविंग बजट मैनेज के बगैर नहीं हो सकती। बिल्कुल। अवाम को भला सेविंग का क्यों नहीं तरीका है? क्यों? क्योंकि साढ़े हकूमती खजाने च कख नहीं है जनाब। जो पैसे मुक जाते हैं असं कशकोल फड़ के निकल जाने तो नाल कहने असी मंगने वाले नहीं, थोड़े बहुत दे दो मेहरबानी। हकूमत के खजाने तो इसलिए खाली हैं क्योंकि हकूमत के तो टशन ही नहीं मुकते। जहां टशन की बात करें तो टशन से याद आया, आज के हमारे जो मेहमान हैं उनका टशन वाकई किसी से कम नहीं, क्योंकि थिएटर की दुनिया हो या टेलीविजन की दुनिया हो या सिल्वर स्क्रीन हो, इन्होंने हर जगह परफॉर्म किया हुआ है। हॉलीवुड की बात करें, बॉलीवुड की बात करें या लॉलीवुड की बात करें, तीनों मैदान फतेह कर लिए हैं। आज आपकी भरपूर तालियों में प्लीज वेलकम टीपू टशन शाह। शाह साहब सर कराची से आए हैं, वैसे तो फैसलाबाद के हैं, लेकिन एक बात मैं समझना चाहता हूं कि 14 इंच की टीवी स्क्रीन से लेके 55 इंच की LED हर जगह आप आजकल छाए हुए हैं माशाल्लाह। ये बैक टू बैक ये हिट जो आ रही है, ये हैंडलर कौन है आपका आजकल? रबी है, रब सोना जो ना कहते ना बरकत पाई जाता पे, जो 25-26 साल की मेहनत है इसलिए मसरूफ होते हैं, वरना मेरे पास यहाँ पे बैठे हुए होते। मतलब समेत जिन्हू काम नहीं आता कुर्सी इतने ही है। भाई परिजात की बात करें, काबुली पुलाव की बात करें या हाल ही में स्टैंड अप गर्ल की बात करें, बैक टू बैक हिट पे हिट दी जा रहे हैं। ये शाहिद अफरीदी वाली बैटिंग एवरेज कहाँ से पकड़ी आपने? सर एवरेज शाहिद अफरीदी वाली नहीं है, जावेद भी है। नहीं वाकई जावेद भी अदासा वाली वाली यार क्या कहते हैं, जैसे जैसे आप काम करते जाते हो काम आप ज्यादा सीरियस होते जाते हो और उसमें सबसे ज्यादा हाथ जितना भी है ना मैं कहूँगा कॉन्टेंट का, काबली पुलाव और स्टैंड अप गर्ल काशिफ निसार। क्या बात, काशिफ निसार जो है वो जब उनके साथ कोई ऐसा है कि जब भी काम करता हूँ तो वो अल्लाह ताला हमेशा ही उस काम में बहुत बरकत डालता है। बड़े ऑड आजकल हम लोग टॉपिक्स पे ड्रामे बना रहे हैं। एक टाइम होता था ना एक्टर कहते थे कि जी सास बहू से हम बाहर ही नहीं निकल रहे, लेकिन अब वाकई ये जो ड्रामे हैं ये ऐसे ऐसे सब्जेक्ट को टैकल कर रहे हैं, तो अब आपको क्या नजर आ रहा है ड्रामा का फ्यूचर क्या आगे आ रहा है? बहुत अच्छा है बिल्कुल, क्या कहते हैं सांस मिली है सर। हाँ। और सांस मिलती रहनी चाहिए क्योंकि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। क्योंकि ये जो 80% अवाम है हम उनके बारे में क्या करते हैं, हम अपने ड्रामे के थ्रू कोई ना एक दो ड्रामे तो ऐसे बनाए। हाँ। जैसे एक ड्रामा चल रहा है जी अखाड़ा, कितना मजे का टॉपिक फिरोज का चल रहा है। अखाड़ा चल रहा है या क्या कहते हैं जिंदो चल रही है, काबली पुलाव है, स्टैंड अप गर्ल है, तो ये सारी जो है ना ये ताज़ा फ्रेश एयर है। और इसी तरह सब्जेक्ट्स में जो वेरिएशन आएगी तो लोगों को भी सांस मिलेगी। और अब जितनी दुनिया ग्लोबलाइज्ड हो गया सारी मोबाइल में सिमट कर आ गई सर। हाँ बिल्कुल। बट साहब ये अखाड़ा ड्रामे का टाइटल सॉन्ग वही था ना, अखाड़ा है अखाड़ा सही यार जो है। वैसे बट जी स्टैंड अप गर्ल देख के तो मेरा भी दिल इतना ललचाया था, काश मैं भी उस ड्रामे का हिस्सा होती। इसे क्या पता उस ड्रामे का पार्ट 2 बन रहा है, उसमें टाइटल किरदार आप कर रही हो, ड्रामे का नाम थोड़ा चेंज है। क्या? शट अप गर्ल। यार बहुत बुरे हैं आप यार। स्टैंड अप गर्ल एक बड़ा मजेदार, ज़ारा नूर अब्बास, सुहेल अहमद साहब, मतलब क्या मजेदार कास्ट है और बड़ी मजेदार डिफरेंट स्टोरी, और पहली दफा वो हमारे वो जो कॉमेडी कल्चर को टैप किया गया है इस तरह मेन स्ट्रीम पे, तो कैसे हुआ? मतलब आप आपकी कोई कंसर्न थी कि यार ये तो बड़ा एक ऑड सा मतलब टॉपिक हम छेड़ने वाले? सर
जिस तरह से हमने अपने हेरिटेज को, हमारा हेरिटेज है ना सर, बिल्कुल, अंदरूनी लाहौर के जो वो खास पंजाब का एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या कहते हैं अंदरूनी लाहौर के वो खास कल्चर है, वो इतना इग्नोर था, हमने हमेशा उनको इस नज़र से देखा है कि जैसे हमने उनको हमेशा चपाए तू तो भाजा खान साहब चपाए खान साहब, ये भी आप, आप ये कितने, आप कितने वो आपको इंटरटेनिंग हैं, वो लोग आपको कितना इंटरटेन करते हैं, और जिस तरह से जितने इंटेलेक्चुअली इस प्ले स्टैंड अप गर्ल में कल्चर और हेरिटेज को काशिफ ने क्या कहते हैं स्क्रीन पे पेश किया है। टीपू भाई थोड़ा खान साहब का अपना भी कसूर है, मैं ये कहना चाहूंगा, क्यों भी देखो ना तुसी बच्चे नहीं पढ़ाते करेलिया की इज्जत करी जाते हैं सर, क्योंकि करेले की ही इज्जत बनती स्पेशली अगर ताडे कोल सुहेल अहमद साहब भी होने ड्रामे तो फिर तो इज्जत। क्या बात, सुहेल साहब के साथ आपने पहले भी इक्का दुक्का जरा हुआ था आपका इनकाउंटर, तो सुहेल भाई वैसे ही टेलीविजन बड़ा कम करते हैं, तो उनके साथ जब आप बैठते हैं स्क्रीन शेयर कर रहे होते हैं कैसा फील होता है? सर मैंने तो उन पर कैमरा लगा देता हूँ, अच्छा मैं उनका बेटा प्ले कर रहा था, तो मैं जब वो कर भी रहा था तो मैंने सोचा था मुझे मुझे मुझमें ना एज ए कैरेक्टर मेरा बाप नजर आना चाहिए, क्योंकि बाप आप में होता है, तो जैसे वो बोलते हैं जैसे सुहेल साहब कहते ना कि लो फिर बेटा बात करो, तो फिर मैंने कहा अच्छा जी भाई ओ मौला होश रखिए, तो ये सब सुहेल साहब थे जो पॉजेस थे या स्ट्रेसेस थे उनको देख के कि बेटा और क्या चाहिए, बेटा मुसलसल बोर कर रहे हो, आवाज़ में थोड़ी जैसा बढ़ाई थी बेटा अबा जी मुसलसल बोर कर रहे हो, वो तो बच्चे अब्बा नजर आना चाहिए सी, तो वो उनको देख देख के ना जब वी डू अ कोलैबोरेटिव वर्क सर, अगर आप एक फ्रेम में हैं, मैंने इतना जनरस एक्टर कोई नहीं देखा कि टीपे ऐसे कर ले, सुहेल साहब को मैंने हमेशा आइडियलाइज किया कुछ अदा, अरे भाई वो है इंस्टीट्यूट है, सुहेल साहब ऐसे बड़े आर्टिस्ट हैं, पाकिस्तान के वाहद आर्टिस्ट सुहेल अहमद साहब हैं जिनका लॉन्ग शॉट भी बने तो लगता है टाइट क्लोज है। ए तू सुहेल साहब की तारीफ की थी, अगर फैसलाबाद से जो लोग आते हैं उनका तो होता है कि जी शर्तिया सुरीले होंगे, ठीक है, ए टीपू साहब के अंदर भी कोई सुर मौजूद है? हल्का फुल्का सा मेरा कान सुरीले लेकिन माड़ी मोड़ी एफर्ट मार लेना सर। आगे कोई अगर ऐसा तरह रोल है कि जिसमें कोई चुकनाइजर का कैरेक्टर मिल जाए या कुछ बड़े खान साहब मिल जाए तो उस पे तो पूरे होंगे आप फिर सर, मेरा ख्याल है कि मैं कोशिश करके करीब करीब पहुंच जाऊंगा सर। कौन पहुंच ही जाएंगे? पहली गलत है, तुम्हें पता आजकल नवी तहकीक आ गई है सुरीला सिंगर बनने वास्ते तुम्हें रियाजत की कोई जरूरत नहीं है। नहीं यार तो नहीं है यार, वाजिद हर किसी की किस्मत चाहत फतेह अली खान जैसी नहीं होती। लो चाहत फतेह अली खान की अपनी किस्मत तो है ही नहीं, वो तो मौसीकी की दुनिया वास्ते बदकिस्मत ही है। यार वैसे मैं एक होता ना कहते हैं कि सोसाइटी अपनी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सर लेती। जी जी मुझे चाहत भाई से कोई इतराज नहीं है मुझे, लेकिन हम अपने हीरोज कैसे बना रहे हैं, कैसी चीज़ें हम कर रहे हैं, मैं बजाय के उसको कहा जाए कि यार थोड़ा सा ख्याल कर, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 भाई वही बात है, अब हम लोग ना टैलेंट की बजाय हम लोग शॉक वैल्यूज ज़्यादा देखते हैं, टैलेंट वाले जो लोग हैं वो तो पीछे चले गए हैं, इंस्टाग्राम पे जिसके फॉलोवर ज़्यादा हैं, जिसकी लाइक ज़्यादा है, जिनके उत्ते कमेंट्स या गालियां ज्यादा आ रही है ना वो हिट है क्या? फिर मैंने रॉबर्ट डी नीरो और अल पचिनो ने खुदकुशी कर लेनी चाहिए। देखो ना यार ये कहते हैं कि लॉर्ड द बाबा अख्तर लावा तो वो ना लगे अंधे पे, ये मैं हूँ, ये मेरे घर वाले, ये हमारी पार्टी हो रही पार्टी, आई मीन व्हाई सोसाइटी इज नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी की वो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि आप जिन चीजों को इनकरेज करेंगे वही माशरे में राइज होंगी। बिल्कुल, अब कोई भी इंस्टाग्राम पे वो जैसे वो एक बच्ची का डांस वायरल हुआ था, वो डांस कर रही है तो वो हमने उसी को क्या कहते करना शुरू कर दिया, मुझे लगता है कि तमाशबीन को हम बन गए, हमें तमाशे अच्छे लगते हैं सर, ये जो है ना ये तमाशबीन इसने हमें बना दिए तमाशबीन। टीपू भाई अल्लाह की रहमत हो गई, तुसी लैलपुर छड़ के कराची चले गए, जे तुसी लैलपुर होंदे ना अज तुसी 19वें ग्रेड दे चुकनाइजर होना सी, या किसी अच्छी जी क्वाल पार्टी च तुसी चीफ चुकनाइजर होना सी। अगर मैं फैसलाबाद होंदा ना ते ना पुछ मैं की होना सी, वाह वाह वाह, पुछ मैं बहुत की किधर लड़ना पड़ना सा यार बहुत। फैसलाबाद में तो राणा सनारूला भी पैदा हुए थे, वो कौन सा चुकनाइजर बन गए? लो एने उन्हां दा वो दौर नहीं ना वेख्या जदों वजीरे दाखला सन, जिन्ने बंदे उन्होंने चुके ने ना विचों विचों भी चुकनाइजर ही ने। आजाद एक छोटी सी चुकनाइजर ब्रेक ले ब्रेक ले आप लोग, अभी एक ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे, कहीं मत जाएगा, आप देख रहे हैं माइंड ना करना ये बात।
फोन करो आज. खैर, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक ख्वातीन और हज़रात. इट्स टाइम फॉर माइंड द न्यूज़. आज की ताज़ा खबरें पुराने चेहरों के साथ आगाज करेंगी शबीरा लंगड़ी. सकारा निशो ने इंकशाफ किया है कि उन्हें शादी के लिए अभी तक पैगामात वसूल होते हैं. ये बंदा खाला जी नु समझावे ना, ऐस उम्र चड्डे तैयार शहर होके तुसी सोशल मीडिया ते एक्टिव रहोगे ते तुहानू रिश्तियां दी ऑफर ही होएगी. होर लोकी की कहन, फौतगी ते आके रो जाया करो. वो पंजाबी में कहते हैं ना, दिल होना चाहिदा जवान, उम्र चकी रखा. उम्र चकी रखे. मैं तो कहती हूँ जा सिमरन जा, जीले अपनी जिंदगी. अपनी अकल का इलाज करा. हाला होना दे नवासे जवान हो गए ने. मेरा ख्याल है बाजी बुशरा अंसारी नू भी तू ही मशवरे देंदी रही. जी नहीं, वो खुद बहुत समझदार है. हीट वेव की खबर पढ़ते हुए भारतीय न्यूज़ कास्टर बेहोश हो गई. ये क्या हरकत हुई? न्यूज़ स्टूडियो में तो सर्दी होती है, वो क्यों बेहोश हो गई? मेरी जान, उन्हें खबर नू हकीकत दा रंग देना सी. इसे कहते हैं वायरल होने के लिए कुछ भी करेगा. हानिया आमिर की भारतीय गुलूकार बादशाह के साथ वीडियो वायरल हो गए. लो जी, आजकल इंडियन रैपर साड़ियां आर्टिस्टां दे निशाने ते ने. मैविश हयात यो यो हनी सिंह दे नाल गाना गाना चाहती है ते हानिया आमिर ने बादशाह मुल ले लिया है. ओ भाई, फन की कोई सरहद नहीं होती. और हानिया आमिर की वैसे ही इंडिया में बहुत फैन फॉलोइंग है. चलो कोई गल नहीं महरीन, असी तो इन्ना ही कहेंगे कि बादशाह नाल वीडियो जरूर करो, लेकिन पक्का पक्का ज़ेन बना के उदी मलका ना बन जाना. इतनी भी बच्ची नहीं है वो. नहीं भाई, हानिया और बादशाह बड़े अच्छे दोस्त हैं और वो जब भी दुबई में मिलते हैं वो बड़े हैंग आउट करते हैं, वीडियोज वगैरह पोस्ट करते रहते हैं. गुलूकार इब्रारुल हक ने कहा है कि उनकी वाइफ कहती है दूसरी शादी पर जान से हाथ धोना पड़ सकते हैं. ओह, होना भी यही चाहिए. इब्रार की तो वैसे भी लव मैरिज है ना. ते तेनू किस पागल ने क्या लव दूजी बारी नहीं होता. भाई मेरा ख्याल है कि खवातीन को दिल बड़ा करना चाहिए और खामुन को दूसरी शादी की इजाजत दे देनी चाहिए. वाजिद, आप जानते हैं ना आपकी मिसेस भी ये प्रोग्राम देख रही है. मैं माफी चाहना, मेरी यहाँ गल्ला कट देना. क्या आप अपनी माँ बहन को भी मक्खी कहते हैं? फिजा अली का अदनान सदीकी से सवाल. वादा वास्ता जी, अदनान भाई ने 40 बारी माफी भी मांग ली है, की कढ़ना है इस खबर चो? आजकल एक नया ट्रेंड चला है, लोग दूसरों की कंट्रोवर्सीज कैश करके खुद न्यूज में रहते हैं. बस ठीक है महरीन, मैं तो फैसला कर लिया कि हम दोनों कनाडा शिफ्ट हो जाएं. वहां तो सर्दी बहुत होती है, आप तो लाहौर की सर्दी में मरने वाले हो जाते हैं. सॉरी, असी शेखुपुरे शिफ्ट हो जाएंगे. दौरान कॉन्सर्ट खातून मद्दा आतफ असलम के गले लग के रोने लग पड़ी. ये फैन थी या कोई पुरानी वाकिफ? वाकई ठीक कह रही हो. बंदा पूछे उस बीबी नू के बाजी तू केड़ा आतफ असलम नाल अफसोस करना सी. क्या आतिफ असलम की आवाज में इतना दर्द है कि कोई भी रो के लिपट जाए उनके साथ? उनकी आवाज में दर्द है या नहीं, मैंने एक दोस्त ने दसाया कि आजकल उन्होंने गले च बड़ा दर्द है. भाई जब जहाँ टीपू साहब आए हुए तो आपको तो मालूम है, मेथड एक्टिंग जहाँ शुरू होती है वहाँ टीपू साहब का भी नाम आता है. चल टीपिटा कच्चा पक्कू का टा पटा कचू कच्चा पक्कू का टा पटा कचू बाबा कच्चा पटली पापा टा कला का पूपा टा कला का पूपा टा पटा. ए गब्बर सिंह है, हेलन है, या कौन है भाई, कौन है आप? लेकिन जो हरकत कर रहे हैं ना, साढ़े टीपू दा होली होली शाह बाहर आ जाना. बम्ब जो गया किसे काम जो गया. यहाँ से 50-50 कोस दूर जब गांव में बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सौ जा, नहीं तो तेरी चीज एक खा जाएगा. क्योंकि एड्डा भुखा अपने नाने की बांह खा गया. तो शर्मिंदा नहीं होया, कहना नाल दुध पत्ती होंगी मजा ही आ जाना. बसंती तुम्हें नाचना पड़ेगा. जब तक तेरे पांव चलेंगे तेरे भाई की सांसें चलेंगी. मैं नाचती नहीं हूँ. ओके, ऐसा मतलब है मैं मर जाऊं? आप मेरे लिए इतना भी सैक्रिफाइस नहीं कर सकते? यानी मैं मर जावां भैन अपना फर्नीचर आप बनवा लवे. दंद ना कड सोनिया, इस मसले का कोई हल कड. तैनू नचना पेगा अपने भरा लई. नहीं नाचती, क्या कर लोगे? ते फिर तेरा भरा भुखा ही मरिया लै. दैट्स ओके. बट बहादुर भाई, आपका नाम क्या है? नाम गब्बर नूरी नाथ. ओ, आप मेथड एक्टर तो नहीं? यार की पछाने हैं, कसम है तुझे की पछाने हैं. बट सब ताटी नजर होनी चाहिए थी. मैं एक्चुअली टीपू भाई को देख के
पूरा रोल में आया हूँ, सारी जिंदगी टीपू भाई मुंह ना मेथड। गब्बर जी ठीक है बाजी जी, बसंती आप शैम्पू तो यूज करके आते हैं, ऐसा लग रहा है सदियों से नहीं नहाए। भाईजान आपको पता है मेथड एक्टिंग होती क्या है? मेथी के साथ बनती है। ए हो जे एक्टिंग दे टाइम डायरेक्टर नु दस रहे होंदा मेथड वाला पराठा खा के आया। टिप्पू भाई एक गल पूछना चाहना तानू। बिस्मिल्लाह सर। तुसी विलन भी बन जांदे हो, खुसरे भी बन जांदे हो, ते टाड़ी भी बन जांदे हो। ए चोर सोच किथे लवाया जे? यार ओदे लई मेहनत करनी पैंदी है, कदे टाइम गुजारना पैंदा, डायरेक्टर नाल गल करनी पैंदी है, राइटर नाल गल करनी पैंदी है, खुद स्क्रिप्ट नु बार बार पढ़ना पैंदा वे, फिर मेरा अगर कोई स्क्रिप्ट होवे तो मैं तो काफी नोट्स बनाना वा। नहीं समझ आई इन्हें कहां से रहा? सही समझिया है। अरे की कह गए हो? उतो वाल वेख दे मकरान दा खोता लग रहा है। यार तू जो कुछ भी कीता सब नचा तू टू कीता है। ए मैं करदा नहीं, मेरा निकल जांदा जी। गब्बर जी, I don't like your afro. बसंती। अच्छा भाईजान ये मुझे बताएं, ये सिर्फ विलन की मेथड एक्टिंग करते हैं या और भी कोई हीरो? और भी जो मर्जी करवा लें। अच्छा ए, अगर मैं कहूं कि मतलब सिचुएशन है कि बारिश का गाना है, फिर क्या करेंगे आप? तोड़ सुट्टा चूड़ियां ते गोल सुट्टा वा छड के ना जावी मेनू ले चलना। वाह 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 यार, नहीं नहीं चूड़ियां नहीं छननन करके होना सी, साडी खुश नसीबी सी के चूड़ियां नहीं। और की करा बट बहादुर। ओ यार इत्थे लैण की आया है दस? टिप्पू शाह नु चुकन आया। आप चुकनाइजर हैं? बसंती चुप रहे। टिप्पू शाह जी। जी पापा। तुसी मेरे पापा। भाईजान वो भी मेथड एक्टर हैं, आप भी मेथड एक्टर हैं, आप उनसे पूछें कि एक अच्छा मेथड एक्टर कैसे बनता है। अच्छा मेथड एक्टर कैसे बनता है? सख्त मेहनत और ईमानदारी से कि आप इतना चले जाएं कि आप जब आप किरदार बन जाते हैं ना सर, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर आप नहीं कुछ कर रहे होते, फिर वो किरदार कर रहा होता है। वाह बुरी गल है। बस किरदार बनना जरूरी है कि अगर आप क्या कहते हैं, सपोज आप एक मैकेनिक है, आपको तो नहीं पता कि आपने कभी क्या कहते हैं नहीं हाथ वाथ लगाया हुआ, तो आप कम से कम इतना तो कर लें, करनी तो एक्टिंग ही आपने। वाह लेकिन तुम पेज कैसे पढ़ना आवे, आपको क्लास तो पढ़ना है, तो आपको वो नटवट तो खोलने आए, क्या कहते हैं आपको वो जिस तरह की उनकी लैंग्वेज है, जो जिस तरह से वो बात करते हैं, अगर मैनरिज्म पूरा है, मैनरिज्म पूरा नहीं, बिलालगंज का हैगा वे तो कुछ डिफरेंट था हैगा, चदरे का हैगा डिफरेंट था हैगा, समनाबाद का हैगा तो डिफरेंट हैगा, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज कपड़े पता जाते हैं। ए ते गल ताडी फिर उतो लंघ गई जे, असी भी ताडे कोलो कुछ सीखना चाहते हैं। अच्छा आओ सानू साडे नाल कुछ करके विखाओ। अच्छा वो कह रहे कि जी एक लाइन हमें भी बताएं कि अच्छा विलन कैसे बोलता है। हाय हाय पीछे नुसा ना लई मते सानू टीपू भाई लभे। यार वड्डा बंदा कुल ते फट पा ओए कोई नवा आ लिया इनू पता चले कि जो बंदा एक दूजे नु जुड़दा है ते गल किवें पैंदी। ओए होए 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 एडा होली होली लग रहा, दो भरा सहुरियां दे खिलाफ प्लानिंग कर रहे। वाह वाह कुछ भी नहीं सही है लेकिन आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं। क्या बात है जी। मेथड एक्टिंग की आपसे बात हो रही थी तो एक सिनेरियो आपको बताता हूँ कि आइटम सॉन्ग हो रहा है जहाँ विलन आया हुआ है, एकदम छापा पै गया, हीरोइन वहां से कैसे भागेगी? तू जे मेरे हमेशा कोल रहे
ते मैं दुनिया नु कह दऊं परे परे टण टण दिल दे के दुनिया तो कौन डरे छापा भी कहना ए दुनिया तो कौन छापा तू ज मेरी हमेशा कूद के नाल अपने पैसे भी ले गई सारे एक छापा पे आ गया छोटी सी ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं माइंड ना करना विल बी राइट बैक जैसे कि आपको मालूम है कि हम अपने मेहमान के साथ वो सलूक करते हैं जो कि घर आई बिल्ली क्या होता है आज हमारे पास जो बिल्ली आई हुई है उसका नाम है टीपू शाह तो ये कैसे हो सकता है कि हम माइंड द बज उनके साथ ना खेलें गौर से सवाल सुन के जवाब देना है जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स ले गया वो यहाँ से टीवी नहीं लेके जाएगा और टीपू भाई आप यकीनन जीत जाएंगे क्योंकि एडी समझदार नहीं ऑफ कोर्स ही इज मच वाइजर देन मी ऑफ कोर्स ही इज गोना विन नहीं उसके बाल सिर्फ चिट्टे हैं कहीं से वाइज नहीं अच्छा गारंटी दे सकता हूं मैंने इसको ऑफ कैमरा देखा हुआ जी टीपू रेडी आप ओके जी जरा गौर से सुनिएगा दो टके की लड़की ये डायलॉग तो हम सबको याद है मगर टका किस मुल्क की करेंसी है ओह यस बांग्लादेश अरे वाह क्या बात है वाह वाह मजे की बात है टका अब रुपए से महंगा हो गया काराकोरम की चोटी नंबर टू को सादा लफ्जों में क्या कहते हैं जी सर K2 के आई न्यू दैट यू न्यू ओह सर K2 इज करेक्ट अरे अच्छा जी अगला सवाल जरा गौर से सुने अली अजमत सलमान अहमद और जुनून के थर्ड मेंबर का नाम क्या था आई डोंट नो दिस वन ब्रायन क्या बात है ब्रायन ओह तो ये टाइप का सवाल पूछे ना तो अच्छा नेल पॉलिश के कलर क्या होते हैं ये वाले मैं सवाल पूछ मेहरीन जी एड्डा फिक्का सेगमेंट करना सी थी इतने ही आ जा वापस YouTube के 1.5 बिलियन व्यूज ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन व्यूज लेने वाला गाना कौन सा है पाकिस्तानी गाना पसूरी ओह गॉड नो No, not Pasuri. अच्छा। वैसे उनको भी नहीं आता। No, no, we'll get help. राहत फतेह अली साहब का तो नहीं है? One point, वैसे ये close है, राहत फतेह अली साहब का गाना है। ये कैसी तेरी खुदगर्जी वाला गाना था सर? नहीं सर, नहीं ये। आफीन आफीन? आफीन आफीन? No. राहत वाजिद हेल्प। तेरी आंखों का समंदर वो क्या है उतरना भी जरूरी क्या बात है जी पॉइंट आपका हुआ ये गाना किसका है गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना जनून है की ताड़ा मतलब कमजोरी है पति नहीं बाज नहीं हो रहे है ये जुनून गलत नहीं हो ना ना बत ले फिर मैनू जुनैद जमशेद जुनैद जमशेद जुनैद जमशेद वाइटल साइन वाइटल साइन वाइटल साइन गोरा रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना गोरी डर तुझे किसका है तेरा तो रंग गोरा है तेरा तो रंग गोरा है वेरी रेसिस्ट सॉन्ग मगर बहुत मशहूर गाना था गोरे रंग का जमाना वाइटल साइंस का गाना okay. था अच्छा जी अगला सवाल जरा गौर से सुनिए बताएं यमुना जैदी की आखिरी फिल्म का नाम क्या था गई No, 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 I know the answer. Achha. I know. She came in our show. And wohi film promote karne aayi thi. Nayab. Nayab is correct. Eva! Mashhoor Punjabi gana. Ve sab to sonia. Hai ve manmohnia. Kis gulukara ne gaya? Tasavvur Khanum. आप बताएं बताओ यू सेड मैडम नहीं मैडम का नहीं है ये तसव्वुर खानम है क्या आके कहते उनका बेस्ट हो गए तसव्वुर खानम सही कहा आपने फिर क्यों हमें वैन में डाल रहे थे बाट जी किस्मत क्या होती है रंगीला साहब पे गाना पिक्चर आई सब तो सुने अच्छा मेरी बात है फिल्म डायरेक्ट भी उन्होंने जी सर राइटर भी वही प्रोड्यूसर भी वही और हीरो भी वही और तीन एंडिंग शूट की हुई थी और मेरे वाले साहब भी इस फिल्म में थे रंगीला फिल्म पंजाब हुकूमत ने रोटी की कीमत कितनी कर दी है 12 16 Oh, it is right, Mehreen. अच्छा जी अगला गाना जरा गौर से सुने दुपट्टा मेरा मल मल का रंग चाहे चल चल का ये गाना है ये किस अंग्रेजी फिल्म से इंस्पायर्ड होकर म्यूजिक वीडियो बनी थी मैट्रिक्स
द मैट्रिक्स इज करेक्ट। वाह, आप बहुत मुश्किल सवाल पूछ रहे थे। आई एम गोना कॉल माय फ्रेंड वाजिद हियर। अच्छा वाजिद आए जी, आप पार्टनर हेल्प कर सकते हैं। फसवा इंग्लिश सवाल है। हां हां, वाजिद आ गए जी, तालियां। सर सर। अच्छा जी अगला, रेडी हैं आप? यस। प्रीतो मेरे नाल व्याह कर ले, बड़ा मशहूर गाना। ठीक है जी, इसमें प्रीतो का किरदार और उसके यार का किरदार किसने निभाया? सुनीता मार्शल ने। अच्छा, और उसके यार का किरदार बुरहानुल हक ने। अली जफर। अली जफर भी थे, आरिफ भी था। हाँ, ये वैसे आधा आधा आप लोगों को जाएगा, आपने सुनीता का, आपने अली जफर का। मैं पॉइंट दोनों को एक एक दे रहा हूँ। वेरी नाइस। सुनीता का मुझे मार्शल याद था, सुनीता मेरे ज़हन च नहीं सी आ रही। बाकी मार्शल आर्ट की वजह से ना मैंने लिंक रखा हुआ है। अच्छा, 2009 में यूनुस खान की सरबराही में पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप जीता, उस टाइम बतौर कैप्टन कौन थे? यूनुस खान। एम्फिबियस का मतलब क्या होता है? ओह आई नो। हां सी दोवा, इट्स एम्फिबियन राइट? यस एम्फिबियस का मतलब एम्फिबियन। या इट्स अ फ्रॉग। फ्रॉग डड्डू। अच्छा, आपने सवाल पूरा सुना? नहीं। मैंने कहा एम्फिबियस का मतलब क्या होता है, आपने कहा इट्स अ फ्रॉग। इट्स एन एनिमल। इट्स एन एनिमल बेसिकली। और तीनों हजरत, यही होता है जब आप बचपन में दूध ज्यादा नहीं पीते, आपकी हड्डियां स्ट्रांग नहीं होती और आपका दिमाग जो है वो पुठे पासे लग गया होता है। आप कह रहे डड्डू होता है जी, इन्होंने एम्फिबियन फ्रॉग होता है। हाँ, वो तो एक काइंड हो गया ना, वो फ्रॉग उस ग्रुप में आ रहा है जिनको एम्फिबियन कहते हैं। या सो व्हाट्स योर एम्फिबियन क्या होता है, एम्फिबियस क्या होता है? सर वाजिद दा गोवा डड्डू। वो चीज जो पानी में भी रह सके और जमीन पे भी रह सके उसको एम्फिबियन कहते हैं। यानी माज। ओके, तो है। आई गिव एन एग्जांपल, आधा पॉइंट तो बनता है बाजी। आधा पॉइंट बनता है क्योंकि मेरे डड्डू पूजा है। अच्छा जी, अगला, रेडी है जी? एक एडल्ट इंसान के कितने दांत होते हैं? 32 सर। यस 32। जवाब दुरुस्त। जमीन पे सबसे लार्जेस्ट लिविंग एनिमल कौन सा है? जमीन पे सबसे लार्जेस्ट जराफा। यार सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट जराफा। हिप्पोपोटामस राइट? हिप्पोपोटामस। आप मुझे कह रही हैं? टू क्या मतलब इस बात? यार क्यों कहेगी आपको? नहीं सर, जो आप दे रही हैं बताइए। एलिफेंट। पक्का? पक्का। हाथी। दुरुस्त है। ये बात। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम का नाम बताएं। अली अमीन गंडापुर। क्या बात है। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, किसका गाना है? हसन जहांगीर। क्या बात है, 8 पॉइंट्स आपके वैसे ही हो चुके हैं। एक पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स होते हैं? आई थिंक आई नो। जी बजा दूं? 72। इसीलिए इनके दिमाग में कमी है। 36 periodic table में कितने elements? 36 होते हैं। 36. अच्छा जी, चले मैं आपको hint देता हूँ। 110, 112, 118 या 121? 110. असी 110 ही मानते हैं सारी ज़िंदगी। इसे बताता हूँ। 109, 118, 112. 109. बजा दूँ? फिर से बता रहा हूँ। 99, 118 वो 4 पॉइंट से जीत रहे हैं। अगर आप इतने इसका जवाब दे दिया मैं आपको पूरा गेम दे दूंगा। अल्लाह खैर करे। लास्ट सवाल। ओके जी, इंसान के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? इंसान के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन मैदा। मैदा मतलब स्टमक। स्टमक आप कह रहे हैं? स्टमक। सर इंसान के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? आई थिंक आई नो। जी इंटेस्टाइन्स। इंटेस्टाइन्स, वेरी गुड। यू फ्रैंकेनस्टाइन, यू इंटेस्टाइन। हिंट्स मैं आपको देता हूं। उन्होंने कहा स्टमक, स्टमक, किसी ने कहा दिल, किसी ने कहा लिवर, किसी ने कहा पेनक्रियाज। क्या? हाँ लास्ट वन, पेनक्रियाज। Oh, you... मैं स्टमक पे ही हूँ। आप स्टमक पे ही हैं। ताड़ा हो सकता है स्टमक। हर बंदे दा पाजी जो मर्जी खाई। मुझे पता नहीं, मैं तुक्का ही मारूंगा तो इससे अच्छा है बंदे को नहीं पता तो जान ले इसमें क्या बुराई है। हाँ, हाँ, मगर आप फिर भी अगर कोई चूज़ लिवर, लिवर वो पीने से लिवर खराब हो जाता है। लिवर सही, दुरुस्त है।
भाई जान, सारे के सारे पॉइंट्स तो वो ले गए हैं और है? आप माशाल्लाह बहुत बुरी तरह हारे हैं। थैंक यू। ठीक है, और ये जाहिर होता है कि दो बंदे भी मिलके ना ये ऐसे ऐसे आप लोगों ने जवाब दिए कि अल्लाह करे ये वायरल हो ताकि हमें पता लगे एम्फीबियन जो होता है वो कहाँ होता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं क्योंकि शायद ये पानी में डूब के बाहर आए। हम अभी वापस आ रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, माइंड ना करना, विल बी राइट बैक। कप रखेंगे ताकि हमारा वो आर्गुमेंट शुरू हो जाए। जी, पहली स्टेटमेंट, बॉलीवुड के खान्स के साथ फिल्म में काम करना हो तो आमिर खान के साथ करूंगी महविश हयात। आई डोंट माइंड। कप रखे उधर। ठीक है, पहले आप क्यों आपने इस बात को माइंड नहीं किया? खान ही क्यों, सलमान खान भी है, शाहरुख भी। चॉइस होनी चाहिए ना, ये तो हर एक के पास चॉइस होनी चाहिए। अगर आप कोई कहता है कि आपने टीपू साहब के साथ किसके साथ काम करना है और आप कहते हैं मुझे अहमद भट्ट के साथ काम करना है, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? नहीं यार, मैं तो माइंड करता हूं। क्यों आपने माइंड क्यों की ये नहीं, बात नहीं, महविश को आमिर खान के साथ नहीं काम करना चाहिए। तो क्योंकि आमिर खान भाई ही इज इन हिज 50 नाउ ऑलमोस्ट, आई थिंक उसको रणबीर के साथ काम करना चाहिए, मतलब अपनी एज के जरा हो। व्हाट डज मेक अ डिफरेंस यार, काम काम होता है, लोग 75 साल का भी हीरो होता है। मैं तो कंटेंट बना रहे हैं ना। बहुत आला सर, अगले पॉइंट पे चलते हैं। बहुत आला सर, जीते हैं, जीते हैं, जीते इस पे देखते हैं। बहुत आला, बहुत आला। आप क्या व्यूज देते हैं? एक पाक बाज औरत पर तोहमत लगाना सख्त गुनाह है, हरीम शाह। यार बंदा ऐसे आई डोंट माइंड करे या माइंड करे भी नहीं समझ आ रहा। मैं दरमियान में रख सकता, मैं भी क्या मर्जी, मेरा भी कब दरमियान में, दरमियान में हम दोनों। हम ओके, आप दोनों ने ही एग्री और डिसएग्री नहीं किया, क्यों? यार चक्कर ये है कि बस काम रब्बी होंदे ने बंदे, अल्लाह ताला सब नु हिदायत, मैं ही कैसे ना अल्लाह हिदायत दे। कई दे बस बातें, एक सोसाइटी रेडी होती है, हमारी सोसाइटी इन बातों के लिए, इसकी एक्सेप्टेंस के लिए रेडी नहीं है, और उसका इम्पैक्ट फिर ये होता है कि लोग जज्बाती हो जाते हैं, गालम गलोच करना शुरू कर देते हैं। ये नहीं कि बजाय बंदा के, इवन कोई बंदा वन व्हीलिंग मोटरसाइकिल पे भी जा रहा हो कर रहा होता है तो मैं कहता हूँ पहले आते यार ये क्या कर रहा है ये, फिर मैं कहता हूँ यार इसको हिदायत दे, क्योंकि ये भी किसी का बच्चा है यार, हम कुछ कुछ को कुछ कर तो सकते नहीं है। तो अब ये भी अपनी मर्जी, हम कोई किसी भी चीज़ को कानून को अपने हाथ में तो नहीं ले सकते सर। बिल्कुल ठीक। बस बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके सामने हो रही होती है जो लोग कर रहे होते हैं, आपको बुरा लगता है लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि सिवाय आप अपनी राय देने के। तो जब राय देनी है तो मेरा ख्याल है दुआ दे दीजिए कि अल्लाह ताला उसको हिदायत दे। क्या बात जी, आपने दोनों चीजों पे एग्री क्यों नहीं किया? यार देखिए, मैं वही बात है, हरीम शाह के ऊपर वैसे ही बहुत चीज लोग हमेशा उसको टारगेट करते हैं कॉन्ट्रोवर्सीज वगैरह के लिए, और हम लोग वाकई बहुत ही रूथलेस हो जाते हैं। हर बंदा तो एक्सपर्ट है, हर बंदा पॉलिटिक्स में भी एक्सपर्ट है, रिलीजन में भी एक्सपर्ट है, स्पिरिचुअलिज्म में भी एक्सपर्ट, और जो उसकी आइडियोलॉजी या चीज़ के साथ नहीं एग्री करता आप उसको गालियाँ निकालते हैं। बस ठीक, तो बस ठीक है, मतलब मेरा ख्याल है अगर आप किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहे तो भाई करें जो आपने करा। ओके, मैं समझ गया हूँ। हरीम, मेरे दोनों मेहमानों का कहना है कि खोदी हरीम तो निकली वीडियोज, ठीक है कप साइड पे करो। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगर कोई क्रिकेटर मुझे तंग करता तो मैं इसे खुद सीधा कर देती, मोमना इकबाल। अगर कोई क्रिकेटर मुझे मैसेज करता तो मैं उसे खुद सीधा कर देती, मोमना इकबाल। ठीक है, व्हाई नॉट भाई। देखिए भाई, हर एक हर औरत को हक है अपने आप को डिफेंड करने का। बिल्कुल। एक अगर टेक्स्ट वगैरह आप करें, अगर आपको कोई पसंद आ रहा है तो आप उसका काम प्रेज करें, तो आप इसमें कोई बुरी बात नहीं। टेक्स्ट उनकी स्टेटमेंट का ये भी तो हो सकता है कि मैं उन्हें इतना सीधा कर देंगी कि मेरे अलावा उन्हें कोई नजर ही ना आंदा। अब देखिए, आप ये ना, ये डबल मीनिंग है, लेकिन आप किसी को भी हरास करना या क्या कहते, जब अल्लाह आपको एक ऐसा मकाम देता है तो आपको थोड़ा सा ना खुद भी ना सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस करनी पड़ती हैं। इसको भी, ये भी स्टार है, हमें भी चार लोग मैसेज करते हैं तो उनको आप उस तरह से जवाब नहीं देते, वो फिर जो है ना आजकल का दौर बड़ा खतरनाक है। बिल्कुल ऐसा। चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, वन शुड बी केयरफुल एंड वन शुड बी, दिस इज़ नॉट गुड। आप वो, आपको एज ए पर्सन नहीं कोई पसंद कर रहा, आपको एज एन आर्टिस्ट पसंद कर रहा है, तो अगर आप उस रो में बह जाएंगे ना तो जो आपको अल्लाह ने थोड़ी बहुत इज्जत दी ना उसके जाने का भी खतरा है। और थिंग्स हैव बिकम वेरी ट्रिकी सर। बिल्कुल ठीक है। आपको कभी किसी ने मैसेज किया? यस। किसने?
कई बार आंदा 2000 भेजना भैन साहिवाल फसया किराया नहीं है वो फिर भेजना पैंदा मैं भी 2000 कहना पैसे विचों ही कट आई फील लाइक हरासमेंट तब होती है इफ इट्स कांस्टेंट अगर कोई आपको अप्रोच करे यू हैव द ऑप्शन टू ब्लॉक दैट पर्सन एंड नॉट रिसीव एनी मैसेजेस ठीक है आप ना खुले रखो बट यस अगर ब्लॉक करने के बाद इफ यू एंडेड कम्युनिकेशन एंड दैट पर्सन कीप्स अप्रोचिंग यू एंड कीप्स you know messaging you non stop that is harassment so yeah ab actually ek minute ye kehte public kyun bata rahi ho sabko kyun bata rahi ho hai kyun because a lot of girls main joke tha mera acha ji agle point pe chalte hain ki nawal saeed ko shoaib malik ke messages wali baat chupani chahiye thi ibrarul haq yaar ek minute main mind karta hu sabse pehle to wo nawal ne kahi naam nahi liya theek hai na और वो अगर आप पूरा शो देखें तो उसके अंदर बड़ा एक इम्प्लीमेंट किया गया है ना ही उन्होंने कोई नाम डिस्क्लोज किया और हम लोगों ने अभी बात का बतंगड़ बना लिया तो मैं माइंड करता हूँ इस चीज़ को मतलब वो नहीं होता ना अगर कोई खबर नहीं निकल रही तो फन जबरदस्ती बना दो बिल्कुल ठीक आप भी माइंड करते हैं क्यों सर देखिए उससे सोसाइटी में ऐसी कुछ चीज़ें जिससे किसी की शोहरत क्या कहते हैं जिससे किसी की क्रेडिबिलिटी जुड़ी हुई हो ये हमारा बड़ा इमेज बेस्ड काम है यार लोग छोटे लोगों के दिल छोटे हैं वो इतनी बातों को लोग पर्सनल ले जाते हैं और क्या कहते हैं दे गेट पर्सनल उससे आपको जो इम्पैक्ट आता है या जो आपको सेटबैक होता है यार उस बात से ऐसी चीज़ें करने से परहेज करना चाहिए जैसे किसी को कहते हैं अब मैं काम नहीं करता और मुझ पर वो इल्ज़ाम लगाया जाए कि जी वो करते हो तो मेरा इमेज खराब होता है यार और वो कहते हैं बद अच्छा बदनाम हो रहा है बदनाम हो जाता है बंदा यार ठीक है अब आप दोनों ने डिसएग्री नवाल से किया या इब्रार भाई से इब्रार से किया भाई ओके अगले पॉइंट पे चलते हैं औलाद का नेक होना बहुत जरूरी है सबा फैसल आई डोंट माइंड आप चाहते हैं औलाद नेक ही हो कौन नहीं चाहता सर बिल्कुल ऐसा ही नहीं चाहता हमारी तो वैसे ही बेटियां हम तो सब चाहते हैं सबके औलाद नेक और साले हो क्योंकि आमीन औलाद से बड़ी खुशी और औलाद से बड़ा गम और औलाद से बड़ा फितना कोई नहीं है क्या बात क्या बात आप भी ये सेम बेशक भाईजान देखिए वो हमारे बड़े कहते थे कि भाई सबसे बड़ी अगर किसी को दुआ देनी है तो कहो कि बेटे तुझे अल्लाह फरमा बरदार औलाद दे नेक और अगर किसी को बददुआ देनी है जी जी तो फिर ये होनी चाहिए कि अल्लाह तन्नु ऐसा ना पुत्र दे बहुत अच्छे मेरी पूछल निकली है बाट साहब मैं अगले पॉइंट पे चलते हैं हसद करने वालों को ब्लॉक ना करें बल्कि अपनी कामयाबी देखने दें ताकि वो सड़दे रहें इमरान अब्बास चलो मगर हाँ मैं कुछ हद तक माइंड करते हैं आप भी डोंट माइंड आई डोंट माइंड बिल्कुल ठीक है पहले आप यहाँ तक भी आना क्या कहते हैं आप करते रहे बात स्टेटमेंट देनी जरूरी नहीं होती यू जस्ट नीड टू डू इट ठीक है तो अगर उनकी चॉइस है कि उसका स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं उनको भी कह रहे हैं कि गलती रहे तो आप एक और महाज भी अपने साथ खोल रहे हो बेहतर यही है कि आप हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं होता हर चीज हम एक्टिंग करते ना हर तो मैं अक्सर कहता हूँ कि देयर शुड बी नो एक्सप्रेशन जरूरी नहीं कि आप उस पर एक्सप्रेशन दें आप किसी ने मुझे कहा ओए यार मुझे मैं जी क्या कहते हैं बहुत बड़ा डाउन हूँ मुझे कहता ओए तो मैं उसको खाली को यूं ही देखता हूँ मैंने कहा नहीं मैंने सेड एवरीथिंग गुड तो देखो उसको यहाँ इतना ही काफ़ी है लेकिन इमरान जी को मैं ये बोलना चाहूँगी अगर आप ब्लॉक नहीं करोगे तो फिर नजरें बंद लग जाएगी ना की करण फिर अपने ट्विटर अकाउंट ते छितर लमका के रख लेने को नजर वो इतना कहीं दुनिया नहीं जानती इमरान नु यार भाईजान देखिए आप हैं ही शोबिज में तो जाहिर बात है अगर आपका काम ही नजर वाला है तो फिर आप क्या कर सकते हैं मेरा ख्याल है आपको इस चीज के ऊपर तवज्जो के बजाय इस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि और जिनको आप इंस्पायर कर सकते हैं हेटर्स विल ऑलवेज बी देयर और वही बात है कि हर चीज का जवाब देना लाजमी नहीं ओके आप दोनों के पॉइंट्स आ गए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं औरतें माली तौर पर खुशहाल हो चुकी हैं मर्दों के जुल्म बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं सनम सईद नहीं आई माइंड सारी औरतें नहीं हुई बहुत एक छोटा सा तबका है हमारा जो माली तौर पे खुशहाल जो माली तौर पे खुशहाल आप एग्री हैं डिसएग्री हैं आई एम पार्शली ना राइट इन द मिडल क्या कहते हैं वो जो बात कर रही है ना क्या कहते हैं वो मेरा ख्याल है एक मखसूस तबके की हद तक कह रही है जैसे अहमद कह रहा है कि जहाँ तक अभी भी जो है हमारी 5-10% है जैसे कराची में डिफेंस फेस की हद तक या कराची की हद तक इस्लामाबाद या लाहौर की हद तक या चलो जी मुल्तान फैसलाबाद चेंज हो रहा है लेकिन आपने क्या कहते हैं एक ऐसा सोसाइटी कल्टीवेट करनी है जहाँ पे आप एक दूसरे का क्या कहते हैं मिलजुल के अगर हो जब तक जिस मुल्क की आबादी 50% ज्यादा औरतों पर मुश्तमिल हो जी जी जब तक सर वो काम नहीं करेगी वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता डोंट मेक इट एन इशू हर चीज को इशू बनाना जरूरी नहीं है बिल्कुल ठीक उसका हल हमने देखना ना हमें प्यार मोहब्बत से कहना है कि कहते यार औरतें जो हैं मिलजुल के काम करें
ताकि जो आजकल के हमारे इकोनॉमिकल चैलेंजेस हैं उनको हम ओवरकम कर सकें। जी, हर बात को इशू बना के बात करना मेरे ख्याल दैट इज समथिंग आई अवॉइड। मेरे ख्याल ये तरीका ठीक नहीं। ओके जी भट्ट साहब, आप भाई मैं इसलिए क्योंकि उन्होंने बात की है, वो बहुत ही छोटा तबका है जो आपके मेन मेन शहरों में है और उनके अंदर भी बहुत कम खवातीन हैं जो एक्चुअली जॉब करती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। अभी भी आपकी 80% खवातीन जो हैं जिनके पास टैलेंट है उनको मौका नहीं मिलता, ठीक है, और अगर मौका नहीं मिलता तो इजाजत नहीं मिलती, ठीक है। तो यस, दे आर हेविली डिपेंडेंट ऑन अपनी फैमिलीज को, मियां, लेकिन इंटरनेट की वजह से बहुत सी चीजें होगी, घर से बिजनेस अपना कर सकते हैं। तो आई थिंक औरतों को इनकरेज करना चाहिए काम करने के लिए, लेकिन कंपल्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। अगर उनमें टैलेंट है, अगर वो काम करना चाहती हैं, तो वो कौन पागल होगा जो उनको रोके। मैं समझ गया हूँ कि औरतों को काम करना चाहिए, लेकिन मर्दों को भी ये मैसेज है कि जुल्म ना करें औरतों पे और उनको काम करने दें। बिल्कुल ठीक है, हमारी बेटियां, हमारी माएं, हमारी बहनें। बिल्कुल ओके, अगले पॉइंट पे चलते हैं जी। बाबर आजम शादी की पेशकश करेंगे तो माजरत कर लूंगी नाजिश जहांगीर। हैं, ये कहा है उन्होंने? आई डोंट माइंड। पागलां कोलों लिख लिया है क्या स्टेटमेंट? नहीं दसना तरस। अच्छा चल, चलो आई डोंट माइंड। वैसे आई माइंड मतलब ये इस तरह की स्टेटमेंट देने का क्या? नहीं, मैं तो कहूंगा कि ये आपका बहुत मुनासिब फैसला है। अगर इस तरह देखा जाए तो ठीक है, आपका मुनासिब okay, आपका मगर ये तो वो है ना कि भाई अगले ने पूछा भी नहीं थे, पहले ही मैं कहता। यानी इसका मतलब है कि बिचो बिचो मैं एग्री हूं, मैंने अगला पूछे बाद जो मैं कहूं मैं मान गई, फिर हूं मैं की कर दी। चले ठीक है। अच्छा जी जी, हिट होने के लिए खूबसूरती मैटर करती है, महरीन शाह। भाई कुछ हद तक हाँ मैं एग्री करता हूँ, मगर डिपेंड करता है हिट किस चीज में होने के लिए, तो मैं जरा थोड़ा सा डिवाइडेड भी हूँ। हिट ये नहीं, शोबिज में काम करने के लिए, ज्यादा आगे जाने के लिए? नहीं नहीं, तरक्की करने के लिए नहीं। और हिट तुसी की मौत देखो ते कराना है मायने करना तो कहाँ से हिस्ट्री शुरू होती है बना, हीरो रंगीला साहब हीरो आते, वाह वाह, मुनव्वर शरीफ साहब हीरो आते, क्या तो वाली वही चक्कर देखे, आपका किरदार ही आपका हीरो होता है। हमारे से लोग हीरो आते हैं, कहते सोलो फिल्में कर रहे होते हैं, तो सोलो फिल्में भी की हैं। तो मैं भी जब आया था तो मैंने खुद अपने लिए सुना, लोग ये कहते थे इस तरह के मुंह वाले लोग अदाकारी करेंगे। वाओ, इसकी क्या पता, खैर ना इन फिल्म कर लिया लगता जो मैं फ्री फिल्म कर दे। सर क्या ना मकसद है कि ये जो है क्राइटेरिया, शक्ल वाला क्राइटेरिया, आई डोंट एग्री विद दैट। वरना ओमपुरी नहीं, बाकी देखिए एक्टिंग एक ऐसा मीडियम है, खूबसूरती कुछ हद तक अप्रिशिएट होती है, ठीक है, तुसी बच के हो कह के नहीं, मैं को कुछ कह देना है। हाँ, मगर एट द एंड ऑफ द डे हिट जो है, हिट हमेशा कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर टैलेंट, बिल्कुल ठीक। ओके, लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जितने पैसे मेरे शोबिज में मर चुके हैं, अगर वो वापस ना मिले तो मैं लैलपुर जाके लूमा ते काम करूंगा, टीपू शाह। नहीं नहीं, आई माइंड, आई माइंड, आई माइंड। मेरे पैसे बहुत कम ऐसे होगा किसी ने रखे होंगे पैसे, मैं इस्लामियत पढ़ा लेता हूँ। वाह वाह वाह, इस्लाम फौरन इस्लामियत पढ़ाता हूँ कि भाई देखो बड़ी मेहनत से काम किया हुआ है, बच्चे हैं, बच्चे भी नहीं कहते हैं, कहते हैं ये आखिरी हर बात है कि भाई देखो तो ये करना ही पड़ता है, लेकिन ये कहते हैं फिर भी अल्लाह का अभी तक का ये शुक्र है कि कहीं ऐसा हुआ नहीं है। अगर कहीं ना करने की कोशिश भी की है तो एक नहीं है, लेकिन ये कहते हैं एक बड़ा क्या कहते हैं वो जो है ना खूनखार टीपू शाह भी कहीं छुपा हुआ है, वो बहुत बहुत अंडरकवर है, और जब वो आता है तो वो फिर वो कभी तो शोबिज में तो एक मरतबा आया था, उसके बाद कभी नहीं आया। गुड, वो किसी और की लड़ाई थी। और कसम चुका लो है, कोई स्टेटमेंट नहीं सी, मैं कोलों तो हंसाने से गया। सीरियसली हो गए कादिर आजाद, हमें इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले हम लोग टीपू साहब से ये जरूर पूछेंगे कि वो क्या माइंड करते हैं। सर ये आपका कैमरा है, आपने पूरे पाकिस्तान को बताना है कि आप क्या माइंड करते हैं। मैं माइंड करता हूँ इनजस्टिस, कहीं पे भी इंसाफ ना हो रहा, इक्वालिटी ना हो रहा, जब मुझे इज्जतों को हम सोसाइटी को डिवाइड कर दें कि एक जो सफ़ेद कपड़े पहना हुआ है, वाइट कॉलर है, वर्दी पहना हुआ है, उसकी इज्जत है, और मैं एक नॉर्मल सा आदमी हूँ, धोती कुर्ता पहने हुए हूँ, और मेरी इज्जत नहीं है, मेरे क्या कहते हैं मेरी वैल्यूज़ नहीं है, तो मुझे उस पर शदीद मैं माइंड करता हूँ। जहाँ पर भी इक्वालिटी नहीं है, क्योंकि हम नमाज पढ़ते तो हम कहते हैं एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, जहाँ पे भी इक्वालिटी नहीं होती वहाँ पे मेरी चिढ़ है। वो मुझे अल्लाह मेरा जानता है कि जब हम खाना भी खा रहे होते हैं और किसी को सट वट पे भी, तो अगर किसी और को वैसा खाना नहीं मिल रहा तो मुझे बहुत माइंड होता है। तो मेरी नज़र में सारे इंसान बराबर है, उनको बराबरी की बुनियाद पर ही डील करना चाहिए। हाँ, जिसके अमाल अच्छे हैं, जिसके अखलाक अच्छे हैं, उसको आप उसकी इज्जत में कमी बेशी कर सकते हैं,
लेकिन सब इंसान बराबर हैं, सब अल्लाह की नजर में एक से। क्या बात है जी, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।